लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार ये रात की ड्यूटी बहुत भारी पड़ती है, वो क्या ना रात में मेरी बीवी को अकेले बहुत डर लगता है। अच्छा तो वो क्या करती है सर? क्या करेगी बेचारी, रात में फिर सोसाइटी के वॉचमैन को बुला लेती है। और दिन की ड्यूटी हो तब? नहीं नहीं दिन में कोई टेंशन नहीं, दिन में तो प्रेस वाला, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला सब आते जाते रहते हैं। ये कौन है? हेलो इंस्पेक्टर रवि फ्रॉम चाइना टाउन पुलिस स्टेशन, हाउ कैन आई हेल्प यू? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यस 36 चाइना टाउन में सोनिया चैंग का मर्डर हो गया है। व्हाट? सोनिया चैंग का मर्डर? सर किसी का फोन है, कहता है सोनिया चैंग का मर्डर हो गया है। कॉल ट्रेस करो। यस सर। आपको कैसे पता लगा कि सोनिया चैंग का खून हो गया है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, फौरन हवेली पर पहुंच जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें मर्डर मिल जाए। आपने खूनी को देखा है? हाँ, उसके दो पैर और दो आंखें। दो पैर और दो आंखें सबकी होती हैं, आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। कोई बेवकूफ इंस्पेक्टर था, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हवेली जाने के बजाय मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। टाइम पास नहीं, फोन ट्रेस कर रहे होंगे, जल्दी चलो वरना आ जाएंगे। रिलैक्स, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखकर बड़ा हूँ, आज तक पुलिस कभी टाइम पर नहीं। पुलिस? मगर तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बोलिए। तूली को तुम बना रही हो? मैं उठा लूँगा ना, शक हो जाएगा तो। बोलिए। हाँ, ये बैग है ना, एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देना। हाँ। कौन सी ट्रेन में जाना है, बेंगलोर वाली मुंबई वाली? मुंबई का टिकट लिया बोलिए यार। चुप, बहुत बहुत भारी है, 50 रुपया लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 50 रुपए। 500 रख लो ना, 500। 500 रुपए क्या कर रही हो? अब मैं कर लूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ संभाल के उठाना, बहुत कीमती सामान है, बाहर निकल गया तो टूट गया तो भारी पड़ेगा। हाँ संभाल के संभाल के। नहीं नहीं ये मेरा हस्बैंड लेंगे, आप जाओ ना बैंगलोर, बैंगलोर जाओ ले लो। चलो छोटी। कुली बैंगलोर वाली ट्रेन में बैग रख देगा और हम इस ट्रेन से सीधा मुंबई पहुंच जाएंगे। मुबारक हो, गाड़ी निकल पड़ी। मैं आज की बात कसम खाता हूँ, कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा उस पाखंडी बाबा की गोटियों की तो। अरे अरे अपने वाला कुली कुली। अरे साहब। अरे बाप रे, ये तो बैंगलोर वाले प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, नीचे उतरो। जल्दी देर में उतर नहीं पाएंगे भाई। लेकिन साहब आप अपना कीमती सामान कैसे भूल गए? हमको लगा आपने चोरी किया है। अरे क्या मैम साहब कैसी बात कर रही हैं, मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने 500 रुपया दिया, मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? अरे कोई चेक कीजो। अरे कोई स्पीड बढ़ाओ। अरे सुखो खींचो। अरे ये आपका सामान। अरे भैया अरे गिफ्ट समझ कर रखो भैया, मैं हराम का नहीं खाता। शक्ल से पूरा हराम लगता है, हराम का नहीं खाता। टनल आने वाला है। तेरे को इतने टेंशन में भी रोमांस की पड़ी है क्या? अरे मैं रोमांस की नहीं, टनल के अंधेरे में हम इस बैग से छुटकारा पा सकते हैं। यस टनल आते ही हम दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे, हम इस बैग को बात फेंकेंगे। ये भी हो सकता है। हे भगवान, के ये वापस कैसे आ गया? तुमने डेड बॉडी वाला बैग नहीं, तुमने इनका बैग फेंका। क्या? अब मेरे पास एक नहीं दो दो गवाह है, एक तो मेरी एंजल वाइफ और दूसरा इस होटल का वेटर। अपना सबूत पक्का करने के लिए मैंने अभी उससे वाइन मंगवाया है और ये गाउन देखकर वो समझ जाएगा कि उस रात भी मैंने ही वाइन मंगवाया था। ओह गॉड आई एम सो हैप्पी। आ गया अपना दूसरा गवाह आ गया। अरे अरे मेरा गाउन फट जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब आप
आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। मेरी वाइफ, मेरी लवली वाइफ है ग्रेसी। हेलो। ये तुम्हारी वाइफ है? क्यों, किसी और के साथ देखा था? नहीं, तुम्हारे साथ देखा तो यकीन नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। Nice to meet you. Same here. मैम, जिस रात को सोनिया चैंग का मर्डर हुआ, उस रात 12:30 से 1 बजे तक आपके पति इसी सूट में आपके साथ थे? सूट में नहीं, मैं गाउन में था, the same gown. आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पति आपके साथ थे? हाँ, ये मेरे ही साथ थे। Yes. सुन लिया इंस्पेक्टर आपने? Excuse me, sir. आ गया मेरा दूसरा गवाह। वेटर, हाँ? 2 दिन पहले तुम इसी कमरे में रात को 12:30 बजे आए थे? हाँ, वाइन देने के लिए आया था। उस वक्त इस गाउन में कौन था? आप थे सर। ओह थैंक यू, देख ये लो, ये तुम्हारा बख्शीश और ये वाइन तुम पीना। थैंक यू, थैंक यू। जाओ, नाउ आर यू सेटिस्फाइड? मैं जब तक खूनी को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाता हूं, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। वाह वाह, आप जैसे ईमानदार पुलिस वालों की वजह से ये देश टिका हुआ है। आप हैं तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हमें गर्व है आप पे, बहुत गर्व है आप पे। बेवकूफ, जो कहो सब मान लिया उसने। एक और सवाल मिस्टर नटवर। क्या? सामने के गैराज वाले ने कहा कि उसने रात के 1 बजे आपकी पीछे की बालकनी से किसी को उतरते हुए देखा था। बालकनी से उतरा था? बालकनी से उतरा था? मेरी बालकनी से मेरे अलावा और कौन उतरेगा? अच्छा, आइए। क्यों? आइए। आप यहां से कैसे गए थे? यहां से ये पाइप से। एक्चुअली आई लव एक्साइटमेंट, थ्रिल। सीढ़ी और लिफ्ट से तो हर कोई आता जाता रहता है, उसमें मजा क्या, तो मैं पाइप से जाता हूँ। इंटरेस्टिंग, मुझे भी आपका थ्रिल देखना है, जरा उतर के दिखाइए। रियली? हाँ हाँ, कम ऑन, मुझे भी देखना है कि कोई फिफ्थ फ्लोर से पाइप से कैसे उतरता है। पाइप से, ओके पाइप से। रेगुलर है मेरा ये। और जाओ कि आप समझ गए। जाइए जाइए। सर मैं लिफ्ट से आता हूँ सर, मैंने कल ही अपनी वाइफ को नया मंगलसूत्र लेके दिया सर। सॉरी सर। बच गया। कैसा रहा? फसला सर, फसला। पर यहाँ से नीचे उतरने में ज्यादा ही थ्रिल होगा। हाँ, यहाँ से ज्यादा थ्रिल है। वो थ्रिल भी देखें। मैं कभी यहाँ से गया? ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल। सैंपल? सैंपल दिखाइए ना। वो भी देखना है आपको? आप इधर से? अलमारी के दूसरे डोर में इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। हाँ, देख लेना। मैं इसको रोज याद दिला तो इंश्योरेंस के बारे में कभी भी मैच चौड़ा सकती है। रेड सिग्नल तब निकलना चाहिए था ये।
उस रात तुम यही आए थे? हाँ यही आया था। पक्का? हाँ पाइप भी यहीं तक आती है, मैं भी यहीं तक ही आऊंगा ना। पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। ये सोनिया चैंग का बेडरूम है, यहीं पर उनका मर्डर हुआ था। क्या? जय श्री कृष्णा। आओ आओ आओ। श्री भाभी ये है करिश्मा। ये करिश्मा। करिश्मा। इनका वाइफ। इनकी। इनकी वाइफ। और ये है करीना। इनकी वाइफ। जयेश की वाइफ? हाँ। थोड़ी बड़ी नहीं है? वो क्या ना, हम दोनों की बचपन में शादी हो गई थी। मैं पैदा हो चुकी थी और ये पैदा ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन शादी ठीक ठाक हो गई थी। अब ये ऐसे रह गए और मैं ऐसे हो गई। ओए स्वीटी, ये केड़ी कंपनी की टी बैग हैगी यार? ना इसका कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, अजीब सी बू आती है। ये क्या कर रहे हो आप बल्लू जी? ये टी बैग नहीं है, मेरे बाबा की ताबीज है। वो तमीज किधर रख देती तू यार? वो आप भी चलो इधर आइए, इनसे मिलिए। ये है बल्लू जी, मेरे हस्बैंड। मेरी पोना, मेरी पोना। मैंने लगा कबड्डी खेल रही हो। जिंदी रहो, जिंदी रहो। बल्लू जी, और ये है करीना। जयेश के साथ इसकी वो न्यू वेल्डिंग हुई है। आजा आजा आजा। और ये है करिश्मा। करिश्मा कहाँ गई? ओ कार्तिक आले की शर्मान दिया है। बल्लू जी, ये मेरी स्वीटहार्ट है। चेक आउट, चेक आउट। नाइस। सोनी लग दिया है। कितने हमारे कमरे? कितने कमरे? कमरे तो उठे उठे। चलो 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 चलो। मैंने लगता है जो करिश्मा है ना, वो किसी की तरह लगती है। बल्लू जी, आपको ताबीज और टी बैग एक जैसी लगती है और बोलते हो करिश्मा किसी की तरह लगती है, मुझे आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता है। मुझे पता है, मैं तुझे यही जगह मिली थी पेइंग गेस्ट बनने के लिए। अरे प्रॉब्लम क्या हुआ क्या यार? यार वो बल्लू सिंह वही बंदा है जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था, लात मार के निकाला था उसने मुझे। क्या? मैंने कहा था ना हम लोग सब नरक में जाएंगे। चलो चलो यार वापस चलते हैं। रुक क्या जयेश, और भावेश तू सुन ना यार, अगर उस बल्लू को तुझे पहचानना होता तो अब तक पहचान लिया होता उसने। कुछ दिनों की बात है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है यार? सॉरी सॉरी सॉरी।